जब मैं दिल्ली में था ना तो जिम तो मैं जाता था, मतलब ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू वर्क आउट, आई यूज्ड टू गो टू द जिम, बट दिल्ली में ना एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि दिल्ली में स्विगी और जोमेटो नाम की चीज़ है, और व्हेन स्विगी एंड जोमेटो आ दे ना तो आप चाहते हो कि आपको 100 रुपये के अंदर वो बढ़िया आलू टिक्की बर्गर व्हाटएवर वो आपके पास जब आधे घंटे पहुँच सकता है तो यू डोंट टेक द एफर्ट टू यू नो एक्चुअली कुक समथिंग नाइस फॉर योरसेल्फ। यू डोंट टेक द एफर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड। और मैं ठहरा वेजिटेरियन तो मेरे पे तो इंडिया में बनाने के लिए भी दाल रोटी सब्जी होती थी, पर यहाँ आके लंदन आके द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और बिगेस्ट प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते इससे मेरा फायदा ही हो रहा है, द गुड थिंग इज दैट यहाँ पे डिलीवरी के, अगर मैं खाना मंगाता हूँ सपोज मैं मैकडोनल्ड से कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिलीवरी के मेरे को 4 से 5 पाउंड देने पड़ते हैं, यू नो 5 पाउंड 500 रुपीज़ से ऊपर, 10 पाउंड का खाना उसके बाद 5 पाउंड रहा, तो आई एम लाइक कि कुछ बना ही लेते हैं, मतलब इतनी मेहनत कौन करे कि 5 पाउंड खाने के दिए जाएँ। तो बस इसी खुशी में मैंने सोचा कि आज मेरा कुछ तड़कता भड़कता स्पाइसी से खाने का मन है, तो आई थॉट कि ठीक है आलू की टिक्की बनाते हैं, है ना। तो आलू हमारे छिल गए हैं, इनको मैश करना है और बनाते हैं। तो आलू की टिक्की बनाने के लिए ना पहला स्टेप ऑब्वियसली आलू, ये हम पे काफ़ी सारे आलू हो गए हैं। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ जड़ेगी उसे कहते हैं चिड़वा, चिबड़ा या चिड़वा, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस कॉल इट। आई थिंक इतने आलू के लिए इतने चिड़वा काफ़ी होंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया, इसको थोड़ा सोक करेंगे और फिर उसको मैश करेंगे। तो व्हेन आई वाज यंगर ना किड्स ऑब्वियसली लव ईटिंग फ्राइड फूड, तो माय मम्मा यूज्ड टू फ्राई दिस एंड देन सर्व इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड थोड़ा मसाला डाल के, तो बहुत बढ़िया स्पाइसी सी नमकीन हो जाती थी ये, बट वो तो बात की बात है। अभी तो हम इसको थोड़ा पानी में सोक करेंगे। तो चिड़वा का बेनिफिट ये होता है कि चिड़वा नहीं, इसको आई थिंक पोहा भी बोलते हैं, बट इससे ही पोहा बनता है। इसका बेनिफिट ये है कि इट सोक्स वाटर वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी क्विकली। तो हमने इसमें पानी डाला था, अभी हमने सोक कर लिया है। अब इसमें से पानी मैं थोड़ा सा इधर निकाल दूंगा विदाउट स्ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ इट ऑफ माय, हाँ ओहो पानी रह गया अभी, सॉरी चिड़वा पानी रह गया थोड़ा सा। हाँ तो अब हम पे चिड़वा हो गया है, आलू हो गए हैं, अब मज़े की बात यह है कि इसको मैश करना है। तो मैश करने के लिए ना मैं इसी बाउल में सब कुछ कर लूँगा और फिर टिक्की जब हम बनाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। आई मीन आलू बनाना इज़ द ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अब इसको मैंने मैश कर दिया है। नाउ माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन अ टिक्की, मतलब जब टिक्की खाने जाते हो तुम लोग, यू हैव दैट वेरी स्पाइसी तीखा पानी या सॉल्ट वॉट लगा के खाते होंगे, हम क्या करेंगे, हमने इसको मैश तो कर दिया है, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ फॉर 3 or 4 टिक्कीज। तो इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा मसाला डालना है। मेरे से ना हमेशा लोग पूछते हैं कि मैं कैसे, हाउ एम आई एबल टू फिगर आउट विदाउट मेजरिंग द क्वान्टिटी ऑफ द स्टफ दैट आई नीड टू पुट इन। तो मैं उनको जितना बोलता हूँ कि खाना बनाते जाओ डालते जाओ, लाइक स्टार्ट विद द लोएस्ट क्वान्टिटी दैट यू कैन, फिर उसको मैश करो, और या फिर जो अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो कम डालते जाओ, साथ साथ टेस्ट ज़रूर करते रहो सो दैट यू नो कि कम है या ज़्यादा है। एंड ऑफ कोर्स जब ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, अगर कम है तो यू एक्ट लाइक योर मास्टर जब यू नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ व्हाट यू नीड टू पुट। तो ये हमारा टिक्की का हिसाब बनना तैयार हो गया है। इसमें मैंने नमक डाला है, आई एम गोना टेस्ट अ बिट ऑफ इट। ओह परफेक्ट, टाइम टू पुट इन सम मोर मसाला इनटू इट। स्टेप वन, because I like having spicy food, what I'm gonna do first is I'm gonna put a bunch of red chili, you see red chili, isse hamare ko swad flavor sab milega, oh ho maza aa gaya lal rang dekh ke na, then you put in some red chili whatever quantity up to you jitna tumhe chahiye, and then I put this mix of masalas that my mother gave me, this basically is all the masala you can need, iska ek chamach lo aur ghee mein tadke mein dal do aur aapka kaam set hai। to ye mera kaam ho gaya hai। tikki banana itna kuch mushkil kaam hota nahi hai वैसे, I mean you basically just then fry it, but hum jo ho yahan pe thoda badlenge na
you will see that the quantity of oil or ghee or whatever that I will use will be as minimal as possible. I mean, I want my food to taste good and be healthy at the same time. So, I will take my own flavor from the masala. I will not get my flavor from my ghee and my fried stuff. मतलब I know कि टिक्की को generally पूरे तेल में fry करते हैं, but I'm not gonna fry it. I don't know what you call it in English, but I am gonna seko this batter or mashed potatoes that I have made, and then make very nice looking tikkis out of it. तो ये अगर आपको दिख रहा है, तो ये हमारा टिक्की का मसाला तैयार हो गया है. Next step is washing hands. Or no, wait. हाँ तो जो हमारा next step है, वो figure out करना है कि मैं actually कितनी tikkis से बना सकता हूँ. यानी मेरा कैमरा ना आज बहुत गेम खेल रहा है. आपको अगर फोकस शिफ्ट होता हो दिखेगा तो आई अपोलोजाइज, बट आई ट्राई एंड कीप माई वीडियोज एज रॉ एज रियल एज पॉसिबल. तो मैं इसमें 10 कैमरा नहीं सेटअप करता हूँ, मैं बस एक ही कैमरा लगाता हूँ और खाना बनाता हूँ और अपने आप से बातें करता हूँ. हमारे पे 4 टिक्की का सामान है. अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि हमें इसे अच्छे से सेकना है, सो दैट इट लुक्स नाइस एंड इट्स वेरी क्रिस्पी. अगर टिक्की क्रिस्पी नहीं है ना तो उसमें मज़ा नहीं आता. नेक्स्ट स्टेप वॉशिंग हैंड्स. मोस्ट पीपल वो टिक्की को फ्राई करके खाते हैं, बट आई डोंट डू दैट. आई डोंट लाइक टू डू दैट बिकॉज टिक्की को फ्राई करने का मतलब है टू मच ऑयल, टू मच नॉट सो गुड फैट्स. सो यू गोना यूज अ टिंच ऑफ मस्टर्ड ऑयल. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग 4 लिटिल स्पॉट्स फॉर ऑयल. आई एम गोना लेट दिस ऑयल थोड़ा, मतलब इसको थोड़ा फ्यूम होने देंगे. हमारा ट्रस्टेड स्पैचुला फॉर फ्यूचरा. इसको मैं थोड़ा गर्म होने देता हूँ तेल को. यस, इट इज़ अ पैटी ऑफ पटैटोज एंड सम मसाला, सम स्पाइसेस. आई एम गोना रोस्ट और टोस्ट देम ऑन दिस. इट्स गोना बी वेरी क्रिस्पी एंड नाइस. आई कैन एक्चुअली कुक इट इन वेरी कुक अ लॉट ऑफ देम इन वेरी लिटिल क्वान्टिटीज ऑफ ऑयल, सो इट्स हेल्दी एज वेल. सो बिकॉज आई एम कीपिंग द फ्लेम स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, it should take about 5 to 10 minutes for them to cook properly. So you have to be very careful about, you know, keeping each of them on the flame so that it doesn't get burnt, because if you try and make it quickly it will get burnt, it will not get the taste, it will not get the crispy texture, and then you spoil it and all the effort goes to waste. To kafi mazedar si cheez hui hamare sath abhi. मेरे कैमरा की बैटरी डेड हो गई व्हाइल आई वाज बेकिंग दिस होल थिंग. तो अभी मैं दिखा सकता हूँ कि हाउ इट लुक्स फाइनली. आई मीन मैंने मन किया तो मैंने उसको अल्टीमेटली सैंडविच भी बना लिया. दिस इज़ द टिक्की. इफ़ आई कैन जस्ट टेक दिस ऑफ एंड शो यू हाउ इट लुक्स. और ना मेरा जो चाइनीज रूममेट है वो भी आ गया था, तो आई गेव हाफ ऑफ द सैंडविच टू हिम. उसको बड़ा मज़ा आया तीखा खाने में. बट दैट इज़ व्हाट द सैंडविच अल्टीमेटली लुक्स लाइक. इट्स गॉट क्यूकम्बर, इट्स गॉट अनियन, इट्स गॉट टमाटोज. It's a very nice, healthy sandwich. एक चीज़ जो इसमें कमी है वो है प्रोटीन. I contemplated putting some paneer in it, but then I thought कि मुझे भूख लग रही है और मेरे को बहुत जल्दी से खाना बनाना है, so I did not put a lot of paneer in it. But these breads have like 6 grams protein in each slice. तो उस हिसाब से I think this will do well. And other than that, I think that's it for this video. Thank you so much for watching my vlog number 2. I'm gonna make a lot of these. I have realized कि I enjoy cooking and vlog बनाने के चक्कर में मैं खाना बना लिया करूँगा. और तो light बहुत गंदी है, I know. और the मौसम, weather outside is fantastic if it focuses. Yeah, see, that's the view from my window. That's the view from my room. And that's my sandwich. Yes, that's my sandwich. And thank you for watching this till the end. I'll see you in the next one. Goodbye.